हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों को पार्लर जैसा हेयर ट्रीटमेंट बताने वाली हूं जो कि आप घर पे ही रहके कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस आज मैं बताऊंगी ये खास करके रफ एंड डैमेज हेयर के लिए है। अगर आप अपने हेयर को अच्छा हेल्दी सिल्की एंड शाइनी बना के रखना चाहते हैं तो इसके लिए ना आप ये वाला जो शैम्पू एंड मास्क यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको शैम्पू से हेयर को वॉश कर लेना होगा, देन उसके बाद में ये वाला मास्क अप्लाई करना है। तो ये लॉरियल सीरी एक्सपर्ट एब्सोल्यूट हेयर रिपेयर मास्क है। तो इसको जो है मैं देखिए इतना यूज़ भी कर चुकी हूँ। ये मेरा जो है जैसे पहले का ख़त्म हुआ तब मैं नेक्स्ट पैकेजिंग इसको मैं ओपन की हूँ। तो ये लॉरियल का है, इजिली आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा। तो पहले जो है आप क्या करेंगे, हेयर को अच्छे से वॉश कर लेंगे शैम्पू से। आपको यही वाला शैम्पू भी यूज़ करना है, दूसरे ब्रांड का यूज़ नहीं करेंगे। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं अपने पार्लर में हमेशा से यूज़ करते आ रही हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई भी अगर प्रोफेशनल पार्लर है तो ये प्रोडक्ट हमेशा लोग रखते हैं, यूज़ करते हैं। मेरे पार्लर में जब भी कोई क्लाइंट आती है और ये प्रॉब्लम बोलती है कि मेरे हेयर बहुत डैमेज हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, हेयर बहुत ही रफ लगता है, तो हम क्या करें? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो होता है हेयर स्पा का, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है ना कि हर मंथ नहीं आ सकते करवाने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आप ना ये मास्क घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, आपका जो हेयर है एकदम हेयर स्पा वाला इफेक्ट आपको देगा जब आप इसको प्रॉपर अच्छे से अप्लाई करेंगे उसके बाद में। तो देखिए, गीले बालों पे बहुत अच्छे से ये मल्सिफाई करते हुए बनता है। पूरे आपको बालों पे अप्लाई करना है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, हीटिंग टूल्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ। अलग अलग तरीके से हेयर स्टाइल करना होता है तो बिना हीटिंग टूल्स यूज़ किए, बिना मशीनों के यूज़ किए वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो देखिए, यूज़ आप कितना भी करें लेकिन अगर उसके साथ साथ आप केयर भी करेंगे अपने बालों की तो फिर आपका हेयर डैमेज नहीं होगा। तो हेयर को अपने जो है डैमेज होने से बचाने के लिए या अच्छे हेयर पाने के लिए आप ये वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें करते हुए दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये अगर आपके रूट्स में लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि स्पा क्रीम हम अप्लाई करते हैं बालों पे, सेम वैसे ही आपको इसे भी अप्लाई करना है। और कई कई लोग जो है एज अ कंडीशनर इसको यूज़ करते हैं, तो एज अ कंडीशनर आपको इसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद में कम से कम 5 मिनट के लिए इसे बालों पे लगा के हमें रखना होता है। और जब आप अप्लीकेशन करेंगे तो वो भी आप थोड़ा सा मसाज करते हुए करेंगे, ऐसा नहीं कि बस लगाए और छोड़ दिए, हल्का सा आपको मल्सिफाई करना है। जैसे कि हम हेयर स्पा के टाइम पे स्पा की जो क्रीम होती है बालों पे लगाते, सेम वैसे ही आपको इसे भी करना है, ठीक है। तो ये जो मास्क है ना, इसका अप्लीकेशन आपको मसाज करते हुए सिर्फ लेंथ पे करना है, ठीक है। आपको रूट्स पे इसकी कोई मसाज नहीं देनी है, इसलिए मैं आपको सारा प्रोसेस अच्छे से करते हुए दिखा रही हूँ। देखिए, ऊपर भी हम स्ट्रेटनर ऊपर तक यूज़ करते हैं, इस वजह से मैं ऊपर से लेके एंडिंग तक अच्छे से मास्क अप्लाई कर रही हूँ। और गीले बालों पे जब हम इसे लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये मल्सिफाई करते हुए बनता है। ये देखिए, ऊपर तक मैं लगा रही हूँ। सिर्फ आपको एक चीज़ स्किप करनी है, मसाज जैसा जो हम रूट्स पे देते हैं ना स्पा के टाइम, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ये देखिए, स्टेप्स अच्छे से अप्लाई करेंगे। और इसका जो यूज़ है आप वीक में 2 बार कर सकते हैं, जब जब आप अपना हेयर वॉश करते हैं तब तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट आप पहले हेयर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद में आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद में नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेंगे। और आज जो है मैंने खुद भी अपने बालों पर इसे यूज़ किया हुआ है, जब मैं अपना इंट्रो वीडियो शूट की हूँ उस टाइम पे आप मेरे हेयर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्मूथ एंड सिल्की लग रहे हैं, जबकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी सिर्फ अपने बालों पे कोम किया हुआ है। तो भी से अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीजी एंड कर्ली हेयर की प्रॉब्लम है, बहुत ही रफ हेयर है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो वैसे में भी ये वाला मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम से आपको जो है छुटकारा देगा, काफ़ी अच्छा काम करता है। लास्ट में आपको इस तरीके से पूरे हेयर को अच्छे से फिंगर की हेल्प से मिक्स कर लेना है ताकि जो मास्क और हेयर है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी, इसमें आप बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इसको जो है आप क्लीन कर लेंगे। तो जैसे ही इनका हेयर क्लीन हो जाएगा मैं आपको इनका फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ आज मैं इनका हेयर कट भी करूंगी। तो पहले मैंने इनके बालों पर जो है
मास्क अप्लाई किया हुआ था, उसके बाद में मैं इनके बालों पे कटिंग की हूँ। तो चलिए अब जैसे ही कंप्लीट होगा 5 मिनट के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हेयर वॉश करने के बाद में, हेयर को ड्राई करने के बाद में फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। और इसको जो है आप नॉर्मल तरीके से ही ड्राई होने दें, कोई भी आप ड्रायर वगैरह यूज ना करें। अगर आप ड्रायर यूज करना भी चाहते हैं तो जो कूल एयर होती है, ठंडी हवा, उससे आप अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। तो इतने से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसको परमानेंट यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। एक ही बार में कोई चीज़ 100% वर्क नहीं करती कि एक ही बार में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे अपने बालों पे, इसको रिपीट प्रोसेस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और हमेशा पार्लर में इसे मैं रिकमेंड करती हूँ लोगों को, हेयर ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आप इजिली घर पर रह के इसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो हेयर कट होने के बाद का भी मैं लास्ट आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको फ्रंट लुक भी दिखा दूं। हेयर काफ़ी मैनेजेबल लगते हैं। अगर किसी का हेयर बहुत फ्रिजी है और बहुत ऐसा फूला फूला सा लगता है, मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है वॉश करने के बाद में जब ड्राई होता है, तो इसे यूज़ करने के बाद में जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो जो आयुषी का हेयर है उतना ज़्यादा वैसा नहीं है, ये मेरी बड़ी बेटी आयुषी है, आप सब इनको जानते ही हैं, ये देखिए। लेकिन जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, यूज़ करने के बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, मैं बहुत सालों से इस चीज़ को यूज़ करते आ रही हूँ और हमेशा पार्लर में लोगों को मैं रेकमेंड भी करती हूँ इस चीज़ के लिए। और ये आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन कहीं से भी ये प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं। इसके साथ में सीरम भी आता है, अगर वो आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लास्ट में आप अप्लाई करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट मैंने कोई सीरम वगैरह इनके बालों पर नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू के बाद में मास्क अप्लाई किया हुआ है। तो कटिंग करने के बाद का फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, ताकि आप देख सके। कटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, कल ही जस्ट गई हुई है। और उसमें जो है मैंने स्ट्रेटनर से जो है हेयर सेटिंग किया हुआ है, तो हेयर सेटिंग की वीडियो मैंने सेकंड चैनल पे अपलोड की हुई है ऑल अबाउट संगीता पे, और कटिंग का फर्स्ट चैनल पे जिस पे ये वीडियो जा रही है उसी पे है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी जस्ट मैंने कल ही वीडियो डाली हुई है। तो फ्लाई लेयर कट मैंने किया हुआ है इनके बालों पर, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो कटिंग होने के बाद का जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से आया हुआ है। देखिए बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, और कितना भी आप कट वगैरह लेते रहें, अगर इस तरीके से केयर करते हैं तो जो ग्रोथ है वो भी बहुत जल्दी बढ़ती है और हेयर बहुत हेल्दी होते हैं। अब देखिए इस टाइप का जो कट होता है, आप फ्रंट में रखें, बैक में रखें, ओपन या क्लच, पोनी, कुछ भी बनाएं, सभी तरीके से बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे कि इनका हेयर कट हो चुका है, अब ये पोनी बनाती हैं, तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप्स का लुक उसमें दिखता है। किसी दिन मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली दिखाऊंगी कि ऐसे ही पोनी बनाने पे किस तरीके से ये दिखता है। चलिए फिर, वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी घर बैठे ये सारी चीज़ें सीख सकेंगे और अपने बालों की अच्छे से वो लोग भी देखभाल कर सकेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हेयर की केयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने हेयर केयर की बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई है, मैंने अपना पर्सनल हेयर केयर भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको कब क्या क्या करना चाहिए हेयर के लिए। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप सबको बता दी हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट रहे, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय।